तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। जितने भी लोग सेमेस्टर टू में हैं उनका एग्जाम आ चुका है, तो आइए इसे में आप लोग जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है उनका सेमेस्टर टू में कॉर पेपर थ्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कॉर पेपर थ्री सेकेंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें देख लीजिए आपको इन सारी चीज़ों पे पढ़ना है। अब आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक चीज़ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के आंसर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं एंड इसका पीडीएफ भी दिया गया है। आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला है राइट द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सॉरी इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडियन ड्यूरिंग 19th century। तो 19वीं शताब्दी में भारत में सोशल राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक ये जो कंडीशन थे स्थितियाँ थी कैसी थी इसके बारे में बताना है। तो इस देखिए इसका आंसर आपको दिया गया है इतने शब्दों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अभी आंसर दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द रिनेसेंस फेस ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो रिनेसेंस फेस जितने भी हैं इंग्लिश में उसको पोएट्री में बताना है। देखिए इसका भी आंसर आपको दिया गया है एंड एक दो राइटर का नाम बता दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो यहाँ पे पूछा गया है राइट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल इन द प्री इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस जब हो रहा था भारत में तब भारत में इंग्लिश का विकास भारतीय क्या बोल सकते हैं इंग्लिश नॉवेल इंग्लिश साहित्य का विकास कैसे हुआ वो बताना है। आगे देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाई डू यू थिंक दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा वॉज वेरी स्लो राइट इट्स केउस इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, सभी के आंसर हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि राइट द वेरियस फेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो ये था इंग्लिश पोएट्री पे। दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं सभी के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा राइट द ट्रीटमेंट ऑफ लव सेक्स एंड मैरिज इन द गाइड बाय आर के नारायण। तो ये क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा। तो लव ड्राइंग ड्रॉनेड सोशल, ठीक है, इन सब के बारे में बताना है एंड आपका ICC का पेपर भी होगा एक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि राइट द कैरेक्टर प्रेजेंटेड बाय नारायण ऑफ राजू इन हिज नॉवेल द गाइड, ठीक है। आगे देखते हैं तो बता रहा था कि ICC का पेपर जो कि 40 मार्क्स का होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एंड उस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि उसी में बच्चे अधिकतर फेल करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन रूरल इंडियन हैज बीन इंटरप्रेटेड थ्रू द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मंगला विलेज, ठीक है, मंगला विलेज ऑफ वेलन डिस्कस। तो इसके बारे में मंगला विलेज के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। और हम तो बात कर रहे थे ICC का पेपर हो गया, बाद में बात कर लेंगे यार, पहले देख लीजिए क्वेश्चन सब ना। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्को ऑफ द गाइड क्वेश्चन। आगे देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर भी छोटा सा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुरुदवास स्टोरी। तो कुरुदवास स्टोरी क्या है, कुरुदवास की कहानी उसके बारे में बताना है कुरुदवा। आगे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि राइट ऑन प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन नागमंडल ऑफ गिरीश
कर्नाड, ठीक है, राइट ऑन प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन नागमंडल ऑफ गिरीश कर्नाड। तो नागमंडल क्या है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आना फिक्स है, अगला क्वेश्चन भी नागमंडल से ही रिलेटेड रहेगा। इसमें है कि राइट योर व्यू ऑन द वुमेन कैरेक्टर्स इन नागमंडल, ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ कमला दास पोइम द डांस ऑफ द एंथ, बाद में जाएंगे जी, जाइए ना, तो कोई बुला रहा है यार, आपकी वीडियो पहले देंगे उसके बाद अदर काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द फीलिंग ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस एंड नॉस्टेग्लिया इज वेरी वेल एक्सप्रेस्ड इन द पोएम ऑफ कमला दास इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, हाउ कैन यू से। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर भी देखिए कितना है, लगभग सभी का आंसर इतना इतना लिखा है, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है क्योंकि इतना लिखिएगा तो समय पार हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम ऑफ द हार्प ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका एंड इसका आंसर भी। देखिए दोस्तों, आप लोग में से जितने भी लोग हैं इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए इजीली, क्योंकि कितना क्या बताएं, कुछ भी बताने वाली बात नहीं है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। कमेंट ऑन द आइडिया एंड थीम ऑफ द डट्स पोएम द लोटस, ठीक है, तो डट्स पोएम लोटस, द लोटस, कमल के बारे में क्या कहानी है जी, आप लोग ही जाने। अगला क्वेश्चन है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ नोएडास पोएम द क्वींस रिवॉल इन योर वन वर्ड एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो बता ही देना है इसको। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट डू यू नो अबाउट नायडूज पोएम, और इसको लिखना है समर वर्ड्स में, ठीक है, तो नायडूज पोएम के बारे में पढ़ना है इसमें। अगला है क्वेश्चन, इसमें है ट्रू इंडियन प्रेजेंटेड इन द पोएम ऑफ इजेकिल इन इंडिया, हाउ कैन यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है राइट द समरी ऑफ द पोएम ग्रास ऑफ जयंत महापात्रा। तो जयंत महापात्रा, मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से कोई भी ऐसा आदमी होंगे जो इसका नाम नहीं सुने होंगे, नाम नहीं सुने तो सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। राइट द समरी ऑफ जयंत महापात्रास पोएम लॉस्ट इन योर वन वर्ड, अपने ही शब्दों में बताना है, इन योर वन वर्ड्स मतलब कि अपने शब्दों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम द प्रोसेसर कंडोलेस बाय केकी नेरूवाला। तो केकी एंड नेरूवाला कौन है इसके बारे में बता दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम, क्या है पोएम, मैरिज बाय नेसिम इजेकिल। तो ये कौन है नेसिम इजेकिल। आगे देखिए क्वेश्चन है कि राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मैरिज इन योर वन वर्ड। आगे देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन नहीं, इतना ही क्वेश्चन है, तो बस इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम इजीली बहुत ही अच्छा जाएगा, और जितना यहाँ पे दिया गया है इसका आधा पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा ना, मतलब पढ़ के एक बार लिख के फिर उसको पढ़ के सुबह में पढ़िए, तीन बार पढ़ना हो जाएगा, दो एक बार लिखना हो जाएगा, तो सच बता रहा हूँ आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ प्रिंट आ जाएगा जिससे आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं बिना किसी के हेल्प मांगे, ठीक है। खुद को इतना मजबूत कर लेना है कि दूसरों को हेल्प दीजिए, ना कि दूसरों से हेल्प लीजिए, ठीक है, तो दूसरों को हेल्प देना है, खुद हेल्प नहीं लेना है, ऐसा आदमी बनना है। इसके बाद जनरिक इलेक्टिव का पेपर और ACC का पेपर, दोनों के क्वेश्चन पेपर एंड इसके भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बाकी बाय,
अच्छे से एग्जाम दें दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, अगला वीडियो किस पे चाहिए उसको भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।